जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, सबसे पहले तो आप इस नोटिस को देख लीजिए। इस नोटिस में क्या है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट्स हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के। भाई, जब भी हम कोई सपना देखते हैं तो टारगेट फिक्स रखते हैं, और टारगेट तो आपने फिक्स रख ही रखा है। आपने तो एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर ही ली है, अब आप कर रहे हैं री एग्जाम की तैयारी। तो देखो, इस नोटिस में क्या है। नोटिस में बोला गया है कि जो भी नोडल अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी, वो एकदम प्रिपेयर रहेंगे। अपने अपने जिले के जो भी नोडल अधिकारी हैं, उनको एकदम प्रिपेयर रखना है, रखना नहीं है, रहना है। कैसे रहना है भाई? जो भी नकल हुई थी, एग्जाम हुआ था यूपीपी कांस्टेबल का, नकल हुई थी, बड़े पैमाने पर नकल हुई थी, बड़े बड़े सबूत आपने भी देखे थे, सोशल मीडिया पे वायरल भी थे, ठीक है। तो अब बोला गया है कि अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना है, और ये एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट कराना है तो नोडल अधिकारी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है। तो इनको एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहना है, ठीक। और बोला गया है इस नोटिस में कि जो आपका एग्जाम है, जो आपका एग्जाम है, वो कुछ ही सप्ताहों में करा लिया जाएगा। बात सप्ताह की हो रही है, सप्ताह, ना कि महीने। महीनों की बात नहीं हो रही। अगर महीनों की बात होती तो एग्जाम आपका जो है वो चला जाता अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। बात हो रही है सप्ताहों की। सप्ताह में मतलब जून के सप्ताह में, अंतिम सप्ताह में नहीं होगा तो एकदम फिक्स आप मान के चलो कि जुलाई में तो आपका एग्जाम करा लिया ही जाएगा। अब भाई, जून में आपका एग्जाम हो जाता, लेकिन आपका एग्जाम जून में क्यों नहीं हुआ? इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। आज भी इलेक्शन है बहुत सारे जिलों में, है ना, और ज्यादातर जिलों में तो हो ही चुके हैं इलेक्शन। 4 तारीख को आ जाएगा इलेक्शन का परिणाम। और हाँ, भर्ती बोर्ड एकदम प्रिपेयर है। ये मत सोचना कि भर्ती बोर्ड एकदम तैयार नहीं है। वो प्रिपेयर क्यों है, इसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आपका फरवरी में एग्जाम हुआ था तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं, फरवरी में एग्जाम नहीं होगा, इतनी जल्दी यूपी पुलिस का एग्जाम हो ही नहीं सकता, भर्ती बोर्ड इतनी जल्दी अपना काम करा ही नहीं सकता, क्यों नहीं करा सकता, बताइए आप मुझे। भाई, भर्ती बोर्ड ने काम कराया था ना उस वक्त, एग्जाम कराने से पहले, एक महीने पहले फॉर्म भी भरवाए थे, करेक्शन भी हुआ था, ठीक है। बहुत बड़ी बात हो जाती है, 50 लाख फॉर्म भरे थे, 50 लाख फॉर्म कम नहीं होते हैं, 50 लाख फॉर्म भरे थे, एक महीने बाद एग्जाम भी कराया था। अब तो भर्ती बोर्ड एकदम तैयार है, अब सिर्फ कराना है तो क्या कराना है, एग्जाम, एग्जाम कराना है तो आपको जून जुलाई तक तो तैयार रहना होगा। अगर आप भी अब भी यही सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, सारी बातें ऐसे ही हवाओं में चल रही हैं, तो प्लीज आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना होगा। जहां आप फरवरी तक तैयार थे, वहां आपको 6 महीने और मिले। अगर आप अब भी यही सोचेंगे कि एग्जाम नहीं होगा, तो ये आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है, ठीक है। एग्जाम चाहे आपका जून में हो, जुलाई में हो, कभी भी हो, मैं तो कह रही हूँ चाहे आपका एग्जाम कल परसों हो जाए, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है ना। आपको किसी दूसरे का नहीं सुनना कि नहीं, एग्जाम अभी नहीं होगा। भर्ती बोर्ड तो ऐसे ही है, ऐसे ही करता रहता है, ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। हमको अपनी अच्छी खासी तैयारी रखनी है, 4 सब्जेक्ट हैं, उन पे अच्छी कमान कर लीजिए। वो बोलते हैं ना, युद्ध के मैदान में जाने से पहले यहां से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ताकत तो सबके पास है, लेकिन यहां से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। वही मैं आपसे कह रही हूं कि आपको भी अपनी जो स्ट्रेटजी है, स्मार्ट स्ट्रेटजी रखनी है, ना कि ऐसी रखनी जैसे सभी लोग कर रहे हैं। 50 लाख बच्चों में से सिलेक्शन कौन पाएंगे,
60,000 बच्चे तो पाएंगे, 60,000 प्लस बच्चे सिलेक्शन पाएंगे, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही सब कुछ नहीं होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, अब भी वक्त है आपके पास, कुछ नहीं तो रिवीजन ही कीजिए जो भी पढ़ा है, फालतू की चीजों से दूर हो जाइए। थोड़ा सा आपको पढ़ने का तरीका बता देती हूँ, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और रीजनिंग पे बहुत अच्छी कमान आपकी होनी चाहिए, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी, ठीक है, घोल के पी जाओ इनको, ठीक है ना। और बात आती है मैथ की, मैथ भी आपको अच्छा रखना है भाई, 19 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप एवरेज हो ना, एवरेज बच्चा, एवरेज बच्चे की बात कर रही हूँ, तो वो कम से कम 17 क्वेश्चन करके आए 19 में से, क्योंकि मैथ इतना ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। और वो बच्चे जो कहते हैं कि हमारा तो मैथ बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो उनसे कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी मेहनत हो जाए, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत में जो कमजोर अपने आप को समझ रहे हैं वो 14 से 15 क्वेश्चन एकदम सही कर लेंगे 5 से 6 टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद, ठीक है। ज्यादा टॉपिकों पे आपको मेहनत नहीं करनी है, एक बार पेपर देखिए, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है तो वो उसी के बेस पे अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, फालतू की चीजों से दूर रहें, अपना माइंड सेट रखें चीजों को बनने में, समय लगता है लेकिन वो बिगड़ जाती हैं हाल ही, तो हमको बिगाड़ना नहीं है। 1 साल से 2 साल से 3 साल से हम तैयारी करते आ रहे हैं, अब आपने कुछ ही समय के लिए यदि पढ़ाई को छोड़ दिया है तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फरवरी में एग्जाम की अच्छी खासी तैयारी नहीं कर पाए होंगे, लेकिन 6 महीने में उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा कर लिया होगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे और 6 महीने में ही उन्होंने गिव अप कर दिया होगा। तो ऐसा हमको नहीं करना, ये जो समय है ना, ये समय एक इंसान को बादशाह भी बना सकता है, फकीर भी बना सकता है। अब आपके ऊपर है कि आपको बादशाह बनना है या फकीर बनना है, ठीक है। मेरा काम था आपको समझाना, आज से ही अपने टारगेट में लग जाइए, इतना हमारे पास समय नहीं है कि भाई हमको सोचना है, स्ट्रेटजी बनानी है तब जाके पढ़ना है, नहीं, आज से ही पढ़िए, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।